हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर फिट। आज हम आगे एक नए रेसिपी के साथ। जैसे अपन इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक कॉन्टेस्ट किया था, एक पोल किया था कि आपको क्या चाहिए, एंड वहाँ पे बहुत लोगों ने रेसिपी पूछी थी, तो इसीलिए आज वापस से एक नए रेसिपी के साथ हम आए। एंड स्पेशली आज उन लोगों के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहते, जो अपना मसल गेन करना चाहते। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि ऐसी भी कोई रेसिपी बताओ जिससे जल्दी से वेट गेन हो सके, मसल गेन हो सके। तो अगर आप एक्साइटेड हो मसल गेन और वेट गेन करने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक ज़रूर करें। आज हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी शेक बनाने वाले हैं। इसे आप शेक भी बोल सकते हो, स्मूदी भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है। मैं इसे जनरली पोस्ट वर्कआउट मील बोलता हूँ, बिकॉज ये जो भी पोस्ट वर्कआउट की रिक्वायरमेंट है ये उसको फुलफिल कर देता है। इसको मैं वेट गेन रेसिपी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज में हाई है, एंड अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपकी जो भी हाई कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा ये शेक। इस शेक को आपको बनाने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा, एंड इस शेक को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ पोस्ट वर्कआउट मील, और यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग योर ब्रेकफास्ट और स्नैक्स। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 चीज़ें ली है, मतलब आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। मैंने मेरा फेवरेट पोर्टेबल ब्लेंडर लिया है जो मैं कहीं पे भी ट्रैवल करते वक्त लेके जाता हूँ, एंड अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन टेक अ मिक्सचर एज वेल। शेक का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपका लिक्विड होता है, यू कैन टेक वाटर, बट आज की रेसिपी में मैंने मिल्क लिया हुआ है, लो फैट काउ मिल्क। उसके बाद मैंने लिया हुआ है बनाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको कैल्शियम देता है, ये आपको विटामिन बी देता है, ये आपको फाइबर देता है, बहुत कुछ देता है। फिर उसके बाद मैंने लिया हुआ है डेट्स, डेट्स भी आपको आयरन देता है, फाइबर देता है। उसके बाद मैंने लिया है मेरा फेवरेट प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर सबको पता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सप्लीमेंट लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। तो एक ही रिकमेंडेशन है यहाँ पे, अगर आप अपने होल फूड्स में आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी का है वो ख़त्म कर सकते हो तो यू डू नॉट रिक्वायर सप्लीमेंट्स, बट सिंस दिस इज़ आर फास्ट लाइफ वी कैन नॉट गेट प्रोटीन फ्रॉम एवरी मील, तो सप्लीमेंट प्रोटीन का रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट मैंने लिया है चिया सीड्स। चिया सीड का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट बता दूं कि ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है जो बहुत ही कम सब्सटेंसेस में मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो देन ट्राई इंक्लूडिंग चिया सीड्स इन मोस्ट ऑफ द मील्स बिकॉज आपको ओमेगा 3 मिलता है इससे। फिर मैंने लिया हुआ है आलमंड्स जस्ट फॉर हेल्दी फैट्स अगेन, ये आपको विटामिन ई भी देता है। एंड फाइनली मैंने लिया हुआ है योगर्ट। योगर्ट इज़ ऑप्शनल फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोग दूध और दही को मिक्स नहीं करते, तो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसको। फाइनली एक लास्ट चीज़ बता दूँ, अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हो, यू कैन ट्राई यूजिंग ओट्स और मखाना ऑल्सो इंस्टेड ऑफ प्रोटीन पाउडर, तो आपका जो प्रोटीन मतलब प्रोटीन कॉन्टेंट है शेक में वो बैलेंस हो जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट, एंड सारे इन्ग्रीडियंट्स को हमें मिक्सचर में या ब्लेंडर में डाल के सबको मिक्स कर देना है, एंड योर शेक विल बी रेडी। येस, द शेक इज रेडी गाइज, और अभी मैं सिर्फ ये चिया सीड्स जो बचे थे वो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसको ध्यान से शेक में मत डाल देना, मैं एक्चुअली बोलने भूल गया था पहले। एंड इसके बाद फाइनली एवरीथिंग इज रेडी, एंड थोड़ा सा डेकोरेशन। ओके गाइज, आई होप आपको ये शेक पसंद आएगा। जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से जाके शेक बनाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ भी देना। फाइनली अलविदा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई पोस्ट एवरी ट्यूजडे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट।
अगर आपको ये चैनल पसंद आएगा तो शेयर भी करना लोगों के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप सेइंग वी आर फिट।